प्रोग्राम हर साल की भांति गांव तुसारी राजस्थान से आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके गायक कलाकार हैं धर्मेंद्र सिंह चाहर सिरमौली अकोला आगरा से, और जो ढोलक पर संग दे रहे हैं हमारे बड़े भाई गुड्डू सोनेरा राजस्थान से, और जो पैर पर झनकार दिखा रहे हैं वो है हमारे बड़े भाई हरिओम जी गांव तुसारी से, और हमारी इस आवाज को देश विदेशों तक पहुंचा रहे हैं वो है हमारे बड़े भाई देशपाल जी डीजे साउंड सर्विस कठुमर से। लीजिए प्रांगण में पधारे हुए सभी जिगरी के शौकीन श्रोता, इस पृथ्वी का श्रृंगार गंगा यमुना के समान पवित्र सती अनुसुईया सावित्री जैसी मेरी माता और बहन, सभी के चरणों में मेरा हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राम राम शांति बनाएंगे। बहुत दूर से आया हूँ और सुनेंगे जितना समय मिला है मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ। कैसे भैया किए आदमी को और ये आदमी और ये क्यों प्यार देता आदमी, आज ये आदमी को आदमी मार देता आदमी, आदमी को देख कर और ये क्यों जी रहा है आदमी, अजी आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी। तो गुड्डू भैया यहीं से बात शुरू होती है और गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या गाया है ये पंजाब चली जाऊंगी ये तो नहीं फिल्म वाली बात, लेकिन अब इलम वाली बात क्या है। आज का ये प्राणी ना जाने कितना गुमान, ना जाने कितना अहिम, ना जाने कितना गुमान लिए फिरता है बात बात में, कहता है जो कुछ हूं मैं हूं, ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये बेटा मेरा है और ये बेटी मेरी है, लेकिन कभी क्या लिख रहे हैं गुड्डू भैया, जीवन एक सपनों सो, ये जीवन हमारा क्या है, जीवन एक सपनों सो, यह आग पर तपनों सो, जीवन एक सपनों सो, यह आग पर तपनों सो, ना दुनिया में दिखे अपनों सो, लेकिन फिर भी ये प्राणी कितना गुमान लिए फिरता है, और कभी कह रहे कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो हीरे और मोती, क्योंकि चाचा कफन में जेब नहीं होती, मौत की गोद में एक दिन सबको सोना होगा, ना कोई तकिया होगा और ना कोई बिछौना होगा, इसलिए कभी कह रहे कैसे गुड्डू भैया आग पर तपनों सो, ना दुनिया में दिखे यहां कोई अपनों सो, क्यों अपने पराए सब यही छूट जाएंगे, श्वास टूटते ही तेरे नाक टूट जाएंगे। प्रसंग मेरा उस समय का है जिस समय जब वो छोटा सा बालक अभिमन्यु चक्र के अंदर खत्म हो गया, इधर में भगवान श्याम सुंदर और वो अर्जुन दोनों संसंतकों से
सीता से युद्ध लड़के वापस हो रहे थे। बियाबान जंगल में आते ही भगवान श्याम सुंदर ने रथ रोक दिया। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या कारण है, आपका चेहरा मलिन है, आप क्यों उदास हो, आपकी आंखों से आज मुझे आंसू की झलक मालूम हो रही है। इतने वचनों को सुना और भगवान श्याम सुंदर ने कहा है अर्जुन से, लेकिन कैसे कहा भैया, सुना और भैया जी क्या हुआ है, ये रे सुन कृष्ण हो चंद की पानी और उन्हें नन से ढक रायो पानी आदरणीय श्रोताओं, आज इतने बचनों को सुना अर्जुन के नेत्र सजल हो गए। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन जिसने जन्म लिया है उसे मरना निश्चित है। भगवान श्याम सुंदर समझा रहे अर्जुन के लिए, कैसे भैया, ए अर्जुन जिंदगी में ओ जिंदगी में आए हाय जिंदगी में हजारों जुड़े क्यों रो रहा है, ये जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े क्यों, हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े ना वो राजा आए हाये ना वो राजा रहा ना वो रानी रही ना वो राजा रहा ना वो रानी रही केवल कहने और सुनने कहानी रही केवल कहने और
सुनने कहानी रही क्यों कोठी बंगला खड़े के खड़े रह गए